वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी ये तुसी देख रहे जे 125 बैड दा बाला साहिब होस्पिटल जिहड़ा 60 दिनां च बन के तैयार होया, अज असीं तुहानूं दिखाउण जा रहे हां ये सारा होस्पिटल किस तरीके। ये 50,000 फुट का होस्पिटल जिहड़ा पूरा कंप्लीट करके ये होस्पिटल की रिसैप्शन, ये रिसैप्शन एरिए तो बाद ये होस्पिटल के अंदर एमरजेंसी का एरिया, इतने पेशेंट सब तो पहला एमरजेंसी वास्ते आएंगे और इस तो बाद ये सारा पेशेंट जिहड़े एमरजेंसी वाले ने इस तो बाद अपनी वार्ड के अंदर ये रिसैप्शन एरिया, ये सारा सिटिंग जिहड़ी आ ये राइट साइड से तुसी देख रहे जो ये सारी सिटिंग है इस एरिए दी, ये सामने इतने कैमिस्ट शॉप रहेगी और असी तुहानू हुण ये 7-8 मिनट के अंदर कोशिश करांगे तुहानू भी समझ आऊ कि किड्डा वड्डा ये होस्पिटल आ, किहड़े किहड़े वार्ड आ। तुसी देख रहे जे ये वार्ड सैमी और वार्ड और सैमी प्राइवेट रूम्स ने, ये अंदर ये सारे स्टाफ के टॉयलेट्स तुसी देख रहे जे सामने, ये सैमी डिलैक्स रूम तुसी देख रहे जे, ये सारी एक कंप्लीट एक जनरल वार्ड आ। इस वार्ड के अंदर इस पहला होस्पिटल यहो जहा जिद अंदर हर वार्ड के अंदर हर बैड के नाल 100% ऑक्सीजन आ, क्योंकि आप कोविड का समा देखा कोविड अंदर सब तो ज़्यादा लोड़ पई ऑक्सीजन की। मैं तुम दिखाना चाहना ये सारे सैमी प्राइवेट रूम्स ने, ये जो तुसी देख रहे जे एक दो ये सारे जिन्हें तुसी देखी जा रहे जे, आ दिखाओ लैफ्ट से दिखाओ रूम्स दिखाओ, ये सारे सैमी प्राइवेट रूम्स ने, ये सारे सैमी प्राइवेट रूम्स ने जो तुसी देख रहे जे, ये डॉक्टर्स का बाकी एरिया सारा, ये भी डॉक्टर्स का एरिया है। एक मैं चीज़ तुहानूं इत्थे बड़ी इंपोर्टेंट दिखाउणा चाहुंदा है, ये कोरिडोर जिहड़ा है ये थ्रू एंड थ्रू ये साडा ICU अंदर जाऊगा, ICU तो बाद दूजी वार्ड अंदर जाऊगा। मैं तुहानूं दिखाउणा चाहुंदा आओ जी, ये ICU आ जिहड़ा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दे नाल बणिया। ये जो तुसीं देख रहे जे ये वेंटीलेटर अमेरिका तो विशेष तौर पर भेजे गए ने, ये सारे 8 बैड का ICU जिहड़ा है ये परमानेंट एक ICU आ। ये नाल असीं इहो जिहे ICU भी बनाए ने जिहड़े वार्ड तुहानूं उह भी दिखावांगे जिन्हां दे अंदर सारी ICU कंप्लीट ने और जनरल वार्ड की तरह भी काम करनगे ते ICU ते लैंड ते ICU की तरह भी काम करनगे, असीं तुहानूं उह भी दिखाउणे आ अग्गे आए। ये अगे जिहड़े तुसीं वार्ड देख रहे जे ये पेडियाट्रिक वार्ड आ बच्चों की, आ दिखाओ जी बच्चों की वार्ड आ, इस वार्ड के अंदर काम चल रहा जे, ये वार्ड बच्चों के बैड ने, यह सारे बच्चों क्योंकि थर्ड वेव जी है मन के चलिया जा रहा है कि बच्चों को यह बहुत इंपैक्ट होएगा, ये बच्चों की वार्ड आ। और अगे असं तो दिखाने ये बच्चों का इधर ICU आएगा, ये ICU भी बच्चों की तैयार हो रहा, ये पेडरेटिक बच्चों के वास्ते क्योंकि ICU बार बार मैं तुम्हें याद करावदा कि थर्ड वेव अंदर एक खदशा किया जा रहा है कि सब तो ज़्यादा बच्चों पर हमला करेगी। इस तरीके ये सारी डॉक्टर्स के रूम्स ने और ये ICU का सैकेंड यूनिट आ, ये ICU का दूजा यूनिट आ। इस यूनिट अंदर भी कंप्लीट सारी ICU के वेंटीलेटर्स नाल सब ए वेंटीलेटर्स लगे हुए सारे बैड के उत्ते, ये जनरल वार्ड के तरीके भी काम करूगा। तुसी मोनीटर्स देख रहे जे ये वर्ल्ड क्लास सारे इक्विपमेंट जिहड़े ने, देखो ये सारे दे सारे ये भी वेंटीलेटर जो तुसी देख रहे अमेरिका तो आए ने सारे, ये सारे जो तुसी देख रहे जे मोनीटर्स ये जनरल वार्ड दे वेले जनरल वार्ड के तरीके भी काम करूगा, तो लोड़ पैण ते रब ना लोड़ पावे सारा इमीजिएटली ICU का सारा कंसैप्ट तैयार आ, उस वेले नाल नाल ICU च नूं ट्रांसफर कर दिता जाऊगा। अगे तो अगली वार्ड दिखाने, ये वार्ड जिहड़ी आ ये विमेन वार्ड आ, ये विमेन्स दे प्राइवेट रूम्स ने, ये सारा नर्सिंग का ड्यूटी रूम्स ने इधर, ये तुसी देख रहे जे ये विमेन्स दी जनरल वार्ड आ और ये आ जो तुसी देख रहे जे ये विमेन्स दे प्राइवेट रूम्स ने विमेन वार्ड दे, ये सारे इधर भी लैफ्ट भी राइट भी ये सारे जिन्ने ने ये सारे प्राइवेट रूम्स ने, ये सारा कोरीडोरस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के रूम्स ने, ये जो तुसी देख रहे जे
ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਈਨਿੰਗ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਰੂਮ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ, ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਮਸ, ਔਰ ਇਹ ਵਿੰਗ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਲ ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਰੂਮ ਸਟੋਰੇਜ, ਇਹ ਬਿਲਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹ ਵਿੰਗ ਜੋ ਆ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਇਲਟ, ਔਰ ਆਹ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਫਾਇਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਗਲੇ 12-13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਆਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੀਟੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਸਾਰੀ OPD ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਇਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬਲੋਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 100% ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ 60 ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। 60 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, AC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਫਲੋਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੇਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਸ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਹ ਮੈਨੀਫੋਲਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੀਫੋਲਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਫਰਾਂਸ ਨੇ, ਆਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਵਾਇਰ ਦਾ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਖੂਬੀ ਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਫਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਈਡੀਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2-2 ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਹ ਦਿਖਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ। ਆਹ ਦੂਜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਐਂਬਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ECMO ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੜਪਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅੱਜ। ਇਹ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ECMO, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰਟ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਭ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ECMO ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪਈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉੱਦਣ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਿੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਕੰਮ ਜਿਸ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਿੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਰੋਕ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਿਹੜਾ 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ, ਇਹ 50,000 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਾਰਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਟਿੰਗ ਆ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ੋਪ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ 7-8 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਊ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਇਹ ਵਾਰਡ ਸੈਮੀ ਔਰ ਵਾਰਡ ਔਰ ਸੈਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਟੋਇਲਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਸੈਮੀ ਡਿਲੈਕਸ ਰੂਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਆ। ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਹਿਲਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਆਕਸੀਜਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮਸ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ 1-2, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਆਹ ਦਿਖਾਓ ਲੈਫਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਰੂਮਸ ਦਿਖਾਓ,
ये सारे सैमी प्राइवेट रूम्स ने, ये सारे सैमी प्राइवेट रूम्स ने जो तुसी देख रहे जी। ये डॉक्टर्स का बाकी एरिया सारा, ये भी डॉक्टर्स का एरिया है। एक मैं चीज़ तुहानू इत्थे बड़ी इंपोर्टेंट दिखाना चाहुंदा है, ये कोरिडोर जिहड़ा है ये थ्रू एंड थ्रू ये साडा आई सी यू अंदर जाऊगा, आई सी यू तो बाद दूजी वार्ड अंदर जाऊगा। मैं तुहानू दिखाना चाहुंदा, आओ जी। ये आई सी यू आ जिहड़ा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दे नाल बनिया। ये जो तुसी देख रहे जे ये वेंटिलेटर अमेरिका तो विशेष तौर पर भेजे गए ने। ये सारे 8 बेड का आई सी यू जिहड़ा है ये परमानेंट एक आई सी यू आ। ये नाल असी इहो जे आई सी यू भी बनाए ने जिहड़े वार्ड तुहानू उह भी दिखावांगे जिन्हां दे अंदर सारी आई सी यू कंप्लीट ने और जनरल वार्ड की तरह भी काम करनगे ते आई सी यू ते लैंड ते आई सी यू की तरह भी काम करनगे। असीं तुहानू उह भी दिखाउणे आउणा अगे आए। ये अगे जिहड़े तुसी वार्ड देख रहे जे ये पेडियाट्रिक वार्ड आ बच्चों की, आ दिखाओ जी, ये बच्चों की वार्ड आ। इस वार्ड के अंदर काम चल रहा जे, ये वार्ड बच्चों के बैड ने। यह सारे बच्चों क्योंकि थर्ड वेव जी है मन के चलिया जा रहा है कि बच्चों को यह बहुत इंपैक्ट होएगा, ये बच्चों की वार्ड आ। और अगे असं तो दिखाने ये बच्चों का इधर आई सी यू आएगा, ये आई सी यू भी बच्चों की तैयार हो रहा। यह पेडियाट्रिक बच्चों के वास्ते क्योंकि आई सी यू बार बार मैं तुम्हें याद करावदा कि थर्ड वेव अंदर एक खदशा किया जा रहा है कि सब तो ज़्यादा बच्चों पर हमला करूगी। इस तरीके ये सारी डॉक्टर्स के रूम्स ने और ये आई सी यू का सैकेंड यूनिट आ, ये आई सी यू का दूजा यूनिट आ। इस यूनिट अंदर भी कंप्लीट सारी आई सी यू के वेंटिलेटर्स नाल सब वेंटिलेटर्स लगे हुए सारे बैड के उत्ते। ये जनरल वार्ड के तरीके भी काम करूगा, तुसी मोनीटर्स देख रहे जे। ये वर्ल्ड क्लास सारे इक्विपमेंट्स जेडे ने देखो, ये सारे दे सारे ये भी वेंटिलेटर जो तुसी देख रहे अमेरिका तो आए ने सारे, ये सारे जो तुसी देख रहे जे मोनीटर्स। ये जनरल वार्ड दी वेले जनरल वार्ड के तरीके भी काम करूगा ते लोड पैण ते रब ना लोड पावे सारा इमीजिएटली आई सी यू का सारा कंसैप्ट तैयार आ, उस वेले नाल नाल आई सी यू च नूं ट्रांसफॉर्म कर दिता जाऊगा। अगे तो अगली वार्ड दिखाने, ये वार्ड जिहड़ी आ ये विमेन वार्ड आ, ये विमेन्स दे प्राइवेट रूम्स ने। यह सारा नर्सिंग का ड्यूटी रूम्स ने इधर, ये तुसी देख रहे जे ये विमेन्स दी जनरल वार्ड आ। और ये आ जो तुसी देख रहे जे ये विमेन्स दे प्राइवेट रूम्स ने विमेन वार्ड दे। ये सारे इधर भी लैफ्ट भी राइट भी ये सारे जिन्ने ने ये सारे प्राइवेट रूम्स ने। ये सारा कोरीडोरस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के रूम्स ने। ये जो तुसी देख रहे जे ये सारा डाइनिंग डॉक्टर्स के डाइनिंग के रूम ने, ये कॉन्फ्रेंस रूम, ये एडमिनिस्ट्रेशन के रूम्स। और ये विंग जो अगे आ फिर लैफ्ट के डॉक्टर्स के रूम स्टोरेज, ये बिलिंग सैक्शन आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन का आ गया ये अंदर बिलिंग सैक्शन। और ये विंग जो है साडा अगे ये सारे टॉयलेट और आ विंग जो साडा ये जो तैयार हो रहा है ये फिनिशिंग एयर कंडीशनिंग इतने भी हो चुकी है, फायर का सारा कंप्लीट काम हो चुका है। अगले 12-13 दिनों के अंदर इतने साडा सीटी स्कैन लग रही है, हाँ मशीन जगह पर सीटी आ रही है और साडी लैबोरेटरी इतने आ रही है, अल्ट्रासाउंड इतने आ रहा है तो डॉक्टर्स की सारी ओपीडी जी इस ब्लॉक के अंदर आ। ये हॉस्पिटल का कंप्लीट जोड़ा काम आ वो इस ब्लॉक के पूरे होने के बाद 100% जोड़ा हॉस्पिटल तैयार होगा और दीन दुनिया के वास्ते एक बहुत वही राहत आऊगी। ये जो कुछ तुम देख रहे जी सारे का सारा 60 दिन कंप्लीट होया, 60 दिन अंदर एक एक दीवार तो लैके पखे तो लैके ए सी तो लैके वेंटिलेटर तो लैके बैड तो लैके फ्लोरिंग तो लैके पेंट तो लैके ये सारा जिते ऑक्सीजन के सिलेंडरस लगन गए। ये मैनीफोल्ड का एरिया है, ये मैनीफोल्ड नूं प्रैशर देने वास्ते जिहड़ी प्रैशर दिता जाऊगा अंदर ऑक्सीजन का ये वो एरिया है। ये तुसी देख रहे जे ये गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने, आ मैं तुहानूं प्लांट दिखाना चाहुंदा है, ये नोवायर का प्लांट आ जिहड़ा फ्रांस की सरकार ने भेजा है। आ तुसी देखो ये वर्ल्ड क्लास जिहड़ा प्लांट आ, इहदे अंदर यह भी खूबी आ ये नाल दी नाल सिलेंडर नूं फिल भी करदा है, जो ये खाली होएगा आइडियल होएगा जो तुम अंदर हॉस्पिटल लोड नहीं होएगी ये सिलेंडर फिल करके देगा। और इतने एक प्लांट नहीं,
बल्कि दो दो प्लांट लगे ने। आओ दिखाइए तुम दूजा ऑक्सीजन का प्लांट भी, आ दूजा ऑक्सीजन का प्लांट जिहड़ा ए एम्बर इंटरप्राइजेस सरदार जसबीर सिंह जी वालों यह दूजा प्लांट दिता गया। यह सारे का सारा साठ दिन के अंदर तैयार किया है। जिस हॉस्पिटल के काम हुण सरदार परमजीत सिंह सरना वालों रुकवा दिता गया है, बड़ा दुख आ। यह लोगों ने जाना बचाने के काम होना से हम तुम असं भी मशीन दिखाने जी वर्ल्ड क्लास ईसीएमओ मशीन आ जी जरनैल सिंह जी जिसनों तड़पते रहे, मैं तुम्हें वो मशीन दिखा वो जी। ये मशीन आ ईसीएमओ, ये सारी असैम्बल होगी, ये सारे ये पार्ट्स ने, ये सारी असैम्बल होगी। ये मशीन वो मशीन आ जी लंग्स तो लैके हार्ट ब्रेन सबनों ऑक्सीजन प्रोवाइड करती आ, और ईसीएमओ जिन्हों कहा जाता है, और जिसकी जरूरत एक समय से सरदार जरनैल सिंह बहुत लोड़ पई और नहीं मिल सकी। दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने उधर ही फैसला किया सी ये मशीन उसी लावांगे। तो तुसी हुण संगत जी आप फैसला करियो कि क्या हॉस्पिटल का काम रोकना जायज़ आ। असीं तुहानूं वो भी विंग दिखाया जिस काम जिस काम हो रहा है, असीं तुहानूं वो भी विंग दिखाया जिहड़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अज इन्हां हॉस्पिटल रोक के मानवता नूं किन्नी वड्डी सट पहुँचाउण दा काम कीता है, फैसला तुसीं आप करना है। पर साडा फर्ज बनता सी कि जो तुसीं दसवंत दी माया संत बाबा बचन सिंह जी महापुरखां दी कार सेवा दे माध्यम तों ये लगाई, ये कितना बनिया की बनिया वो तुहाडे सामने आ। हुण फैसला तुसीं आप करना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।